तो हर दिन ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। ठंड के बढ़ते तेवर ने हर किसी को परेशान किया है। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी हर कोई ठंड के सितम से परेशान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों भले ही बढ़ने लगे हैं, लेकिन तेज हवाओं के चलने से ठंड में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रात से ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो जाता है, जो दिन भर जारी रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ेगी। जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें जो ब्लड प्रेशर है आदमी का वो बढ़ जाता है, और जिन लोग ब्लड प्रेशर के मरीज ऑलरेडी होते हैं तो उनको अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाई वो लेना भूल जाएंगे तो रात के 3 बजे सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, और उसी समय ये स्ट्रोक्स हो जाते हैं। कोई नस हो सकती है, दिमाग में फट जाए या कोई एम्बोलस उसमें आ जाए। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा ये सावधानी रखनी है कि एक तो ज़्यादा ठंड से हम लोग बचें, और दूसरा ये ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल ना खाएं। देखिए, जो अभी का ये कोल्ड स्पेल चल रहा है उत्तर भारत में पूरे में ही करीब करीब, और दिल्ली NCR के क्षेत्र में भी, ये काफ़ी लंबा स्पेल है। 14 दिसंबर के बाद से लगातार कोल्ड डे कंडीशंस हैं, और बीच बीच में कोल्ड वेव कंडीशंस भी हैं। लगातार जो तापमान है 5 डिग्री से कम चल रहा है। आज का तापमान 2.6 था, जो कि पिछला 2.4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि पालम ने आज के दिन में इस सीज़न का सबसे कम तापमान वो रिकॉर्ड किया है, जो कि 2.9 था।